जो हमारे घर में आने वाली नन्नी नन्नी परियां आपके मुंह में बादाम शेक, ये उठता है सिर्फ और सिर्फ रात को, चांद उठ गया, तूफान आने से पहले का सन्नाटा है। तो भैया अभी अभी मिस हैपनिंग होते होते बच्चे तसल्ली करवा दी है भाई ने, मुझे नहीं लगता कि मैं पूड़ियां भी अपने घर की चढ़ पाऊंगा। तो आज जैद भी जिम का टूर करने आया है। तो ये रे छोटे से बॉस के शूज, उसके बीच में लिवर में ना इन्फेक्शन आया था। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भैया शाम के बज चुके हैं 6:30 और पायल बाहर से घूम के आ चुके हैं और बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आई है भैया, जो हमारे घर में आने वाली नन्नी नन्नी परियां। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा, इस बार आपने बिल्कुल सही कहा। आपके भगवान करे आपके मुंह में घी, शक्कर, कैडबरी चॉकलेट, बहुत 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 सब कुछ जो आपको ज्यादा पसंद हो वो आपके। इनको पसंद है बादाम शेक, आपके मुंह में बादाम शेक। क्या हुआ, ये खुश है क्योंकि मम्मा इसलिए लेकर आई है नए शूज, पहली बार जूते पहने लड़के ने। बॉस ठीक, उन्हें आते मेरे को बोला मम्मी मेरे लिए क्या लाए हो आप, सब बच्चों के लिए तो लाए हो, तो मैं ना बच्चों को लपेटने के लिए जो लाई थी ना उसको दे दिया। मैं तेरे लिए लाई और सुनो और मैंने ये दिया, मैंने कहा ये ले आई है तुम्हारे लिए, ये आपके लिए लाए। क्या था, आप चीकू एक बात बोल दे, क्या था, आप मुझे जरूरत नहीं है, मैं बच्चा नहीं हूँ ना भाई। हाँ, बस इसके नहीं, फिर मैंने दुकान पे पता क्या बोला, जब मैं ये कपड़े ले रही थी सारे, तो कोई वो बोल रहे थे कि चीकू के लिए भी ले लो, मैंने कहा देखो अब चीकू बड़ा हो गया, चीकू की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पापा ने ले ली है, तो अब छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, चीकू की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीकू के पापा पास है, नहलाना धुलाना, स्कूल ले जाना, सुलाना खिलाना पिलाना, सब चीकू के पापा देखेंगे चीकू का। बॉस के जूत, बॉस के जूते, बॉस के। आज ना चीकू भी ढीला ढीला सा है, सुबह स्कूल में ना सुबह स्कूल में मैम ने डॉक्टर बुलाया था इसको चेक कराने के लिए, इसके पेट में स्टमक में दर्द बता रहा था, तो इसको हेडेक हो रहा था, आजमोला दिए इसको मैम ने बोला इसके लिए। ये वाला तो आ जाएगा है? एक महीने में आ जाएगा, ये तो मुझे नहीं लग रहा इसको आएगा, क्योंकि अभी तो ये बड़ा छोटा है, जब बाहर जाएगी ना गोलू इसी में पैक करके लेके जाइए, चाहे कुछ भी पहनाओ, ऊपर से ये पहनाया बच्चा पूरा हाथ पैर सब ढक जाएगा, देखना ये देख पैर, सॉक्स वॉक्स की जरूरत नहीं है। हाँ सही बोल रही है। दिन में ना जैद 24 घंटे सोता रहता है, ये देखो हाँ पायल, उठाते रहो बजाते रहो, नहीं सुनता। आज पायल मुझे बोल रही थी गाइस सुना गोलू तू इसको उठाती क्यों नहीं है, तो मैंने ना दोपहर को लिया इसको, मैंने कहा पकड़ पायल, पर क्या हुआ था फिर नहीं उठा पायल ने, सारे ताम धाम क्या बोलते पायल, ताम धाम टन पेट कर लिया पायल ने, सब कुछ कर लिया पर ये लड़का उठा नहीं, ये उठता है सिर्फ और सिर्फ रात को। बेटी उठ जा बेटी, है चीकू भाई को जूस पिला दे, अभी नहीं पी सकते इसके दांत भी नहीं है, देखो दांत से दूसरा का मतलब है नहीं, उसमें केला भी है ना, 3 महीने बाद देना है सिर्फ। अच्छा अभी नहीं, सॉलिड डाइट नहीं दे सकते। ठीक है, चांद उठ गया, ये तो ये वो नहीं है, तूफान आने से पहले का सन्नाटा है, ये उबासी ले रहा वापस हो जाएगा। उठ गया, उठा रहा हूँ बाबा, उठ रहे हाँ बेटी, उठ गई बांदरी, उठ गई है बांदरी, उठ गई मिच्छू ने काकी, उठ गई पापा। हाँ जी, डायपर नहीं पहना बेटा उसने, लंगोट पहना हुआ है भैया, ये देखो मेरे हाथ जूते निकल है, मेरे किसके, ये तीनों के लिए, तीनों की सेम लाई है पायल, ये तो जैद को, मेरे को लग रहा है जैद को आई जाएगी अभी, पहना के देख आ जाएगी, पिना के देखूं, चल ठीक है ट्राई करती हूँ। अरे ये तो ये जो आने वाले बच्चे है ना और इसमें यही फर्क आएगा, इसकी लाते लंबी होंगी, उनकी लाते छोटी होंगी, अब ये जो जाएंगे तो मुझ पे पाल, कैसी बातें कर रही, हाइट तो मुझ पे जाएगी ना, ऐसा नहीं कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे जा सकती, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चीकू की हाइट किस पे जाएगी, मेरे पे जाएगी, इसकी जाएगी, इसकी मेरे पे जाएगी, इसको छोटी क्यों आई है, कैपरी आ गई, मैं तो पजामा समझ के लाई थी, कैपरी आई है ये तो। ओ जादू बेटू इधर देखो, उठ गया बांदर उठ गया। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए ऊपर, मैं और शोभी भाई, और कल हमने किया था बैक का वर्कआउट, तो आज हम करेंगे लेग का वर्कआउट। शोभी भाई रेडी हो भाई, करवाएंगे चक देंगे, बिल्कुल आ जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं शोभी भाई को तो समीप मशीन पे करवा रहा हूँ मैं लेग, और मैं कर रहा हूँ रोड के साथ फ्री, यानी कि बिना सपोर्ट के, तो मूवमेंट दोनों की थोड़ी सी अलग अलग है, क्योंकि इसमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, उसमें आपको खुद करना पड़ता है सेल्फ, तो थोड़े दिन बाद शोभी भाई भी सेल्फ करने लग जाएंगे। डन, तो
भैया वेट थोड़ा ज्यादा है, मतलब मेरे लिए आज ज्यादा या 60 किलो है, पर मैं फिर भी लापरवाही नहीं करता, मैं बेल्ट का उपयोग बहुत तरीके से करता हूँ। चल लगाना, जी निकल जाता। दीपक गेनिंग पे है, दीपक को तो थोड़ी सी मैं कार्ब्स की डाइट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लीन है दीपक, वर्कआउट बहुत अच्छा करता है, अमेजिंग, मतलब कि मेरे बराबर, पोजीशन भी बहुत अच्छी दीपक की। अभी बस इसको मैं डाइट बता रहा हूँ और आपको बताऊँगा, आप भी ले लेना। देखो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पर क्या ना, हम जो खाते हैं हर किसी को पता होता है डाइट, पर फॉलो करना बड़ी बात होती है। तो मैंने अभी छोभी भाई को बोला है कि हम कहीं भी जाएंगे अपनी डाइट साथ लेके जाएंगे और हम सोचेंगे कि दुनिया की सबसे गंदी बीमारी है, अगर हमने डाइट मिस की तो वो बीमारी हमें हो जाएगी। राइट, सही है सर, डन। तो गाइस आज हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा भाई दे रहा है, नूर भाई। हेलो गाइस, अरमान भाई को आज ट्रेनिंग कराते हैं, बड़े अच्छी मिल रही है। ऑनलाइन तो मैं कराता ही हूं ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी अरमान भाई जैसी पर्सनालिटी को, तो भाग्य थैंक यू भाई। नहीं नहीं, हमारे बड़े भाई हैं और आज हम खतरनाक तरीके से शुरू करेंगे, और मुझे लग रहा है आज आप आधा घंटा मेरे साथ हो। तो गाइस अब तकरीबन हम नूर भाई की शरण में रहेंगे, जो जो पूछना होगा हम उनसे ऑनलाइन रोज पूछा करेंगे और एक कमाल की बॉडी बनाने की कोशिश करेंगे। 100% कमाल ही बेमिसाल बनेगी दोस्त, आपकी बॉडी बड़ी जबरदस्त बनेगी। इस बार अरमान भाई ने खाना है कुछ नया करके दिखाएंगे जबरदस्त वाला। नहीं भैया हमने तो इसके लिए बहुत बढ़िया होगा। हाँ, और कंप्लीट है भाई, खतरनाक वाली एक्सरसाइज लग रही है भाई, और यहाँ पे नूर भाई भी ऑनलाइन एक्सरसाइज करवा रहे हैं और यहाँ पे अरमान भाई, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भैया। वर्कआउट होता जा रहा है बहुत ज्यादा जबरदस्त, क्या ना कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा, पर यार मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेहनत करो। कितने 8 से 10 रैप करने हैं, अभी तक लिफ्ट करना उसके अंदर। क्या था तो भैया, अभी मिस हैपनिंग होते होते बच्चे, शोभी भाई ने ना यहाँ से मशीन निकाल रखी थी, यहाँ से खोलते बाहर निकालने के लिए, इन्होंने यहाँ से खोला हुआ। शोभी भाई क्या कर रहे हो आप? मुझे पता नहीं चला यार। Get it poppin', homie, day and night, day and night. Got the party jumpin', about to break the ice. तो भैया आप भी जब भी वर्कआउट करो ना तो सेफ्टी का ध्यान रखें। और कल एक वीडियो देखी थी मैंने, क्योंकि ना बटरफ्लाई कर रहा था लड़का और पीछे एक लड़की खड़ी है और वो हैवी वेट डाल रखा था, वर्कआउट हुआ नहीं ऐसे करके, और उसको थोड़ा चक्कर आया, उसने ऐसे बटरफ्लाई छोड़ी और पीछे लड़की खड़ी थी, यहाँ से पूरा फट गया उस लड़की, कम से कम भी मैं करूँ 50 टांके होंगे। तो भाई हैवी लिफ्टिंग मत करो, ध्यान रखो जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं आसपास कि क्या नुकसान हो सकता है, आंखें खुली रखो, फोन से दूर रहो वर्कआउट के टाइम। ये ना 20-20 की प्लेटें जो भारी भारी ना वो यहीं रखवा दे, यहीं से यहीं डल जाएगा, क्योंकि इसमें हल्का भी बहुत कम डल। अभी हम कर रहे हैं लेग प्रेस और मूवमेंट रखे हैं बहुत ही मजेदार, और कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं होगी। पूरा मत खोल घुटने ना, होल्ड, हाँ ये ठीक है बस। हाँ भाई, तसल्ली करवा दी है भाई ने, अब मैं जब घर पे जाने वाला हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं पूड़ियाँ भी अपने घर की चढ़ पाऊंगा। बट एक चीज़ और है, पता लग रहा है इन लेग्स को कि कुछ लगाया। थैंक यू भाई, लव यू। देखो यार वर्कआउट ना हर किसी को आता है, आज के दिन सब एथलीट हैं, सब कोच हैं, सबको वर्कआउट करना आता है, पर आप करो दो, जिम तो जाओ, ज्ञान दो, वो ज्ञान सबसे पहले अपने ऊपर डालो कि हाँ वर्कआउट बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं जिम खोल के बहुत खुश हूँ, और मेरा जिंदगी का सपना था कि मैं अपने घर पे एक जिम बनाऊँ, और आज वो सपना पूरा हुआ। तो गाइस फाइनली हमारे घर पे जो थे नीचे, अब हम जिम में पहुंचे, हमारे चीफ गेस्ट। हाँ जी, मैं
मैं पहुंची हूँ, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि मेरे को बड़ी घबराहट सी हो रही है, तो चीकू के पापा कहते हैं एक काम कर तू ऊपर आ जा। चाकू से क्यों घूम रही है? बोलते हैं ना 40 दिन तक ना बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर बाहर जाओ तो अपने साथ चाकू या माचिस रखो, इसलिए मैं चाकू लेके घूम रही हूँ। सही है, अब डर गए थे? ये तो घर ही है ना, ये बाहर थोड़ी बेटा। हाँ ये बाहर नहीं है, घर है अपना। ठीक है, फाइनली जायद ऊपर आ गया, तो ये घर ही है। आप कुछ लोग कमेंट करेंगे बाहर नहीं लेके घूमते, तो भाई ये घर ही है मेरा। तो गाइस ये हमारा घर है, जिम नीचे घर, हम घर से बाहर नहीं है। वो रो रहा था नीचे, उसने टॉयलेट कर दिया था, गोलू ऊपर थी तो मैं ऊपर ले आई। तो आज जायद भी जिम का टूर करने आया है, अपने हिसाब की चीजें हैं या नहीं देखने आया है। हाँ भाई कार्डियो करेगा भैया, अभी कार्डियो जिम नहीं थे, अभी कार्डियो करेगा। तो गाइज आज का वर्कआउट हो गया डन, और बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज यहाँ पे मैं करा रही हूँ थ्रेडिंग, क्योंकि अब मुझे पता नहीं मैं कितने टाइम बाद दोबारा थ्रेडिंग कराऊं, और थ्रेडिंग बहुत ज्यादा खराब सी हो रही थी। थ्रेडिंग के साथ मैं वैक्सिंग भी करा रही हूँ, क्योंकि मुझे ओटी में जाना है, और ओटी में और टैनिंग बहुत ज्यादा हो रखी है, अच्छा नहीं लगता। और साथ में मैं कराऊंगी ब्लीच, ताकि मेरे चेहरा जो चमक जाए शूट के टाइम पे। तो यहाँ वरना चीकू ध्यान रख रहा है जैद का, तो एक जो रैप है उसमें मैंने जैद को रैप कर दिया और एक दे दिया चीकू को, तो चीकू ने बना लिया अपना कोना। चीकू दोनों ले लूंगा, दोनों ले लेना बेटा, ये उठ जाएगा ना, दोनों ले लेना। ठीक है, तो गाइस आज पायल ना बहुत सारी शॉपिंग करके आई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत क्यूट क्यूट से शूज लेके आई है जैद के लिए। तो ये रहे छोटे से बॉस के शूज, ये मैंने इसको पहनाए थे, इसको बिल्कुल सही आए हैं, पर ये ना छोटी छोटी सॉक्स के साथ इसको फिट आए हैं, तो इस सॉक्स के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखो। और साथ ही साथ ना दो बहुत सुंदर फ्रॉक लेकर आई है, बहुत ही प्यारी फ्रॉक है। इस फ्रॉक के साथ ना गाइस शॉर्ट भी अटैच है, यहाँ पे भी शॉर्ट्स है और यहाँ पे भी शॉर्ट्स है। तो मैंने ना इसको हैंगर में टांग दिया है, मैंने कहा हमारी बेबी गर्ल होगी, क्योंकि अभी तो उसको आएंगे नहीं, मेरे ख्याल से तीन महीने में आएंगे। तो इसकी ऑलरेडी ना अलमारी में दो फ्रॉक टंगी हुई है जो लक्ष्य मासी लेके आई है, तो इसके साथ मैं इसकी फ्रॉक टांग देती हूँ। यहाँ पे चार फ्रॉक्स हो गए, तो इसका मतलब लड़की के चांसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फोर फ्रॉक हो गई हमारी बच्ची। तो ये दो क्यूट से सेट लेके आई, निष्ठा लेकर आई है, बहुत प्यारे सेट है। तो अभी भी इनको मैं पूरे रैप है, ये चीज सही है कि साथ में हैंगर मिले हुए हैं, तो इनको इजी होगा कि बच्चों के कपड़ों के लिए। मैंने जो हैंगर मंगवाए थे ना गाइस, सारे हैंगर लग गए, एक भी हैंगर बचा नहीं है, तो ये भी दोनों मैं इधर टांग देती हूँ। तो साथ ही साथ ना पायल ये भी लेकर आई है, ये दो है गर्ल्स के, ठीक है। तो ये जो साइज है ना सही है, 0 to 3 months, और ये पायल लेके आई जैद के लिए, पर जैद को भी बड़ा है, 3 to 6 months है। तो एक में ना 1, 2, 3, 4 है, बहुत ही सुंदर है, देखो गर्ल्स के कितने क्यूट कलर है ना, बहुत सुंदर है। तो इनको क्या, इनको मेरे को सेट करना है अलमारी में, तो अभी हैंगर है नहीं, तो इनको मैं ऐसे रख दूंगी। तो आज ना पायल बहुत कुछ लेकर आई है, तो ये वाला जो सेट है निष्ठा लेकर आई है, बहुत ही क्यूट सेट है, ये तो जैद को आ ही जाएगा ना, ये तो फिट आएगा बिल्कुल जैद को। तो अभी जैसे ही कहीं जैद बाहर जाएगा ना, तो मैं इसको ये पहनाऊंगी। और साथ ही साथ ना ये दो सेट और लेकर आई है पायल, 0 to 3 months की है, ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि बच्चा इसमें पूरा ढका रहता है, तो सही रहते हैं। साथ ही साथ ना पायल जैद के लिए सेट लेके आई है, 3 t-shirt है, साथ में 3 leggings है, उसके साथ हैंगर है, तो ये भी ना बहुत ही आसान होगा मेरे लिए टांगना, और ये कपड़े इसको आ जाएंगे। यार कितने सारे कपड़े हो गए ना जिसको आ जाएंगे, हाँ जी अब तो बहुत सारे कपड़े हो गए जैद की। तो पायल ना साथ में सॉक्स लेकर आई है, ये 0-0 size की सॉक्स है, ये सॉक्स बड़ी है दोनों, और ये 0 size की है, 3 pair सॉक्स है, तो ये मैं टांग देती हूँ पीछे। तो गाइस ये छोटी छोटी ना बनियाने लेकर आई है पायल, क्यूट क्यूट सी, वैसे ना जैद के पास बहुत सारी थी, बट पायल को पता है कि ना 3 बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये जो बनियान है ना ये 2, 3, 4, 5, 6 ये मैं अलग रख देती हूँ, पायल रख लेगी अपने हॉस्पिटल बैग में। और बच्चे को लपेटने के लिए पायल बहुत सारी शीट लेके आई है, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, तो ये सारी शीट, एक शीट में मैंने जैद को लपेटा हुआ है अभी, और एक शीट दे दी मैंने चीकू को। तो गाइस एक छोटी सी और फ्रॉक थी, ये तो मैं दिखाने ही भूल गई, इसको तो कहाँ टांगू, इसको जगह ही नहीं मिल रही है टांगने की, तो एक काम करती हूँ मैं इस फ्रॉक को ना पीछे टांग देती हूँ, यहाँ पे याद रहेगा, सही है। तो जब ना जैद का शूट था ना, पायल बिजी थी और मेरे पास इतने गंदे कपड़े थे, मतलब कफ्तान सेट था, पायल ने मेरे लिए सूट भेजा था, पर लेगिंग्स लाना भूल गई थी, और वैसे भी ना मैं सूट पहन नहीं पा रही थी गाइस स्टिचेस की वजह से, तो पायल ने अपने लिए 1 piece लेके आई है। ये ना एक्सपीरियंस मिल जाता है जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो पायल को एक्सपीरियंस मिल गया कि उस दिन ये 1 piece काम आएगा, तो ये पायल पहनेगी शूट वाले दिन। तो गाइस घर में बच्चे हो ना तो पजामियां बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो दो क्यूट क्यूट सी पजामी ये लेकर आई है, साथ में पायल लेकर आई है ये क्यूट सा सेट, ये है, और इसके अंदर टी शर्ट है, ये जैद लेकर आई है पायल, और दो पजामिया और है साथ में, और एक ये है टी शर्ट सेट। तो गाइस हमने ना ये वाले रूम की और वाले रूम में ना टॉयलेट शीट तो बिछवा दी थी, क्योंकि वो ना टॉयलेट शीट दूसरी वाली है जिसके नीचे लास्टिक होता है, तो ये वाले रूम के में टॉयलेट शीट मिली नहीं क्योंकि बहुत बड़ा बेड है। तो पायल और मैं ना मीमी से जब मेरी डिलीवरी से पहले ना टॉयलेट शीट लेकर आए थे, तो अभी क्या करूंगी जो पायल की डिलीवरी के लिए पायल जाएगी ना, तो इस बेड पे ना मैं टॉयलेट शीट बिछा दूंगी ये वाली बड़ी वाली, ताकि क्या हमारे जो मैट्रेस है ना वो प्रोटेक्शन उसका रहे और वो खराब ना हो। तो गाइस ये वाले तो रह गए, लक्ष्य
दीदी दिखा दिए, मैंने कहा नहीं दिखाए, कह रही दीदी दिखा दिए, मैंने कहा वो ब्लू एंड व्हाइट थे, ये लगता है पायल लड़की के लिए लेकर आई है ना, दो लड़कियों के लेकर आइए, दो लड़कों के लेकर आइए, क्योंकि सेट में दो आते हैं ना। तो गाइस चीकू के पापा कह रहे गोलू थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाए, क्योंकि ना मैं ना अंदर बैठे बैठे मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा बाबू मुझे बड़ी घबराहट से हो रही है, कह रहे काम कर थोड़ी सी हवा खा ले, तो लक्ष्य भी मुझे कह रही दीदी आप ऊपर चल लो, मैंने बस अभी अपना लोअर टी शर्ट पहन लिया और साथ में चाकू भी ले लिया, क्योंकि बोलते हैं ना कि अपने साथ चाकू और माचिस लेना चाहिए, तो अभी मैं जाते थे दीपक को बोल रही दीपक ये ले पकड़ कर डिलीवरी आप क्यों ये पकड़ू मैं चला जा। तो गाइस आज से ना इनकी ट्रेनर मैं हूँ, तो मैं देखने आऊंगी रोज के सही से वर्कआउट करे कि नहीं करे, क्या भैया आपके शोल्डर की आज नहीं मैडम थाई का वर्कआउट कर रहा हूं, थाई आपने मुझे कहा शोल्डर करोगे नहीं मैडम मेरा मूड था कि शोभी भाई आए हैं तो थोड़ा सा उनके मुंह से आवाजें निकलवा दें, सही कर रहे हो ना काम शोभी बता शोभी भैया वर्कआउट सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मैं कहां हूं खतरनाक वाला वर्कआउट मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं घर की सीढ़ी पे चढ़ पाऊंगा बुरा हाल हो गया मेरी लेग्स का बड़ा अच्छा लग रहा है मजा चलो अभी करेंगे वर्कआउट के बाद ना ये चीज होती है गाइस जब हम वर्कआउट करते हैं ना बड़ी थकावट होती है पर एक हफ्ते बाद ना अपनी बॉडी आपको इतनी अच्छी मजेदार लगने लग जाती है ना तुम्हारा फेस ग्लो करता है तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं ना तुम्हें अपने आप से प्यार हो जाता है जब तुम जिम जाते हो शू शू कर दिया इसने आई मम्मी के पास जिम में आई हो मम्मी के साथ जिम में आई हो पापा को देखने आई हो क्या लगता है सो जाएगा मेरी गोद में हैरान है पता किसने उठा लिया मुझे नहीं शांत है अभी रो रहा था बंद कर दिया रोना इसने तो गाइस रात के बज गए 9:30 जैद को मैंने ना जिम से आ गया था तब मैंने इसको सुला दिया था और आराम से सो गया बस मेरा और पायल का ना डिनर रह गया कल चीकू का हम स्कूल को ऑफ ले रहे हैं मतलब कि वैसे ऑफ नहीं है बट हम उसको कल छुट्टी करवा रहे हैं उसकी ना तबीयत सही नहीं है तो मैं यही चाह रही हूँ कि कल ना मुझे एक बार पीडियाट्रिक पर ले जाए उसके बीच में लिवर में ना इन्फेक्शन आया था दवाई तो वो ले रहा है बट उसका स्टमक एक हेडेक हो रहा है और कंटिन्यू ना बहुत दिन से मतलब मेरी डिलीवरी से पहले भी बार बार बोलता था मम्मा हेडेक रहता है हेडेक रहता है तो एक बार ना कल मैं और पायल जाके इसको पीडियाट्रिक को भी दिखाया गाइस वहाँ पे देखो वहाँ पे ना मैंने पायल का ना हॉस्पिटल बैग निकाल के रखा है और मैंने सारा सामान ना अच्छे से अलमारी में लगा दिया था उस वक्त बस पायल ना उस टाइम वैक्सीन करवा रही थी तो मेरे दिमाग से निकल गया था पायल को बोलना पायल को बोल देती हूँ कि जो जो सामान ना एक बार तू देख ले और डाल दे बैग में पायल बाबू ये सारा सामान मैंने पैक करके रख लिया ये बता दे ना तेरे बैग में क्या क्या डालना है ये ट्राई कर लू पहले ट्राई कर लू ट्राई कर ले बस तो आ जाएगी वैसे एक बात बता पेज जब निकले कटेगा बच्चे निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगी आ जाएगी ना अब ये बता सामान क्या क्या रखना है इनमें से दो तो ये रख लेती है दो मत रख तो मेरे यहाँ चार शीट रख दो ये एक खुली है एक ही खुली है दो मत रख चार रख बाबू क्योंकि दो बच्चे हैं ना छोटे हैं गंदी कर देते हैं ज़्यादा ही गंदी कर देते हैं दो चार रख दो पिंक रख दिखा दो पिंक रख ठीक है और एक ये इनमें से कौन सा रखना है नहीं डिफरेंट डिफरेंट कलर रख लेना है ठीक है दो तीन चार छः बनान बहुत है या दो और दूँ छः बहुत है ये तो फ्रॉक मैंने तेरे लिए निकाली क्योंकि न्यूबॉर्न को तो कितनी क्यूट लगेगी रख लेना ये पर इसके लिए मुझे कुछ पहनाना पड़ेगा उसे ठंड लग जाएगी बुनैन पिंक कलर की बुनैन बना लेंगे हाँ तो ये क्या है बाबू ये दो जैन ने पहन ली थी अपनी लेगिंग्स ये अच्छा। नहीं तो कैसे क्यूट क्यूट सी लेगिंग्स है और पजामिया तो जरूरत पड़ेगी पजामिया भी रख ले चार ये सब रख लेना हमने पजामे वाले सेट नहीं लाए ना आज कोई पजामे वाले सेट हाँ तो लेके आई जैद के लिए जैद के लिए लेकर आई दिखाती हूँ आएंगे मेरे हिसाब से खुले होंगे मेरी खास ये तो न्यू बॉर्न बेबीज को आ जाएगी जैद को तो आ जाएगा ये थोड़ा मोटा भी है नहीं कपड़ा ये रख दे वापस लेगिंग्स ठीक है ये ले ये तीनों सेट लेगा मोटा है ना थोड़ा लेकिन इसमें स्लीव्स नहीं है स्लीव्स वाले नहीं है क्या पायल स्लीव वाले कपड़े लेके जा ये बात तो सही रहेगी वही मैं कह रही हूँ एक काम कर रुक जा पायल देखिए स्लीव है देखिए उसके नीचे पैंट है ये लड़की की ड्रेस है नहीं गोलू ये थोड़ी बेबी गर्ल की है ये भी नहीं आएगा ये नहीं आएगा मुझे पता नहीं आएगा एक काम कर ना जैद के जो पुराने कपड़े है ना स्लीव वाले वही लेके जाइए मैं एक बार ना बैग दोबारा पैक कर देती हूँ सारा ठीक है तो गाइज मेरी पैकिंग जो हो गई है पूरी कम्प्लीट वो रख दिया मैंने अलग से बैग बना दिया क्योंकि गोलू के टाइम पे क्या हुआ था बच्चे का गोलू का एक ही बैग बनाया वैसे तो दो बनाए नहीं हमने ना एक ही दो बैग बनाए थे पर बच्चों का और मेरा सब सेम हो गया था तो बड़ा दिक्कत हो गई थी मिक्स हो गया मिक्स मैच हो गया था सामान तो इस बार मैंने जो है अपना बैग बिल्कुल अलग बनाया और बेबीज का बैग अलग बनाया और ये ना दोनों सेम आए थे हमारे पास तो मैं ये आते हुए दोनों को सेम पहना के लाऊंगी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो तो मेरे जो है दोनों बैग अच्छे से हो गए पैक अब मैं जा रही हूँ गाइस सोने क्योंकि चीकू को सुला दिया था मैंने जल्दी और मेरे को भी थकान हो रही है बहुत ज्यादा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ पे एसिडिटी जैसा हो रहा है तो मैंने कच्चा दूध और उसमें ठंडा पानी मिक्स करके भी पिया है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे अभी भी जलन फील हो रही है तो रात की जो दवाई वो सारी स्किप कर दूंगी मैं वरना और ज्यादा एसिडिटी टाइप लगेगा और इनो वगैरह पीने का मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी तो सोच रही हूँ सो जाती हूँ थोड़ी देर शायद क्या पता ठीक हो जाऊँ तो गाइस बस सारी पैकिंग हो गई है डन और जैद भी सो गया उसके साथ लेटर लेटर मुझे भी नींद आ गई क्योंकि पता है रात को जागना है तो ये वाले व्लॉग को यही एंड करते हैं आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय गाइस गुड नाइट मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं।